नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 2004 से पहले नियुक्ति लेकिन बाद में नियमित हुए सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार। मामला पंजाब का है। याचिका पर पंजाब सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं को नियमित करते हुए नियम व शर्तें रखी थी, शर्तों को पढ़ने व अपनाने के बाद से अब इससे मना नहीं कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ है तो भले ही वह इस तिथि के बाद नियमित हुआ हो, वह पुरानी पेंशन योजना का हकदार है। हाईकोर्ट ने पंजाब के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को ओर से दाखिल की गई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार को इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ 4 माह में जारी करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए सुरजीत सिंह व अन्य ने एडवोकेट रंजीवन सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट बताया है कि उन्हें पंजाब के विभिन्न विभागों, बोर्ड कॉरपोरेशन आदि में कच्चे कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी लेकिन उन्हें नियमित 2004 के बाद किया गया है। याचिका ने बताया है कि राज्य ने 2004 के बाद नियुक्ति कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम को अपनाया था और याचिकाकर्ताओं को भी इस स्कीम को अपनाने की शर्त पर नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने नियमित होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्देश जारी करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में याचिकाओं को निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को इस मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से दावे को खारिज कर दिया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।